मोहब्बत के खातिर सीमा हैदर हिंदुस्तान पहुंची तो अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों की प्रेम कहानियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पाकिस्तान में गुलाम हैदर परेशान है तो हिंदुस्तान में अंजू के पति अरविंद रो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंजू अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने लाहौर पहुंची हैं। मीडिया से बात करते हुए अंजू के पति ने कहा कि वो 2-3 दिन बाद भारत लौट आएंगी, लेकिन पाकिस्तान से अंजू के दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अंजू 20 अगस्त तक भारत लौटेंगी, उनका वीजा 20 तारीख तक का है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह ने किया है। अफेयर की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि अंजू 20 अगस्त को वीजा समाप्त होने पर भारत लौट जाएंगी, वो यहाँ परिवार की महिलाओं के साथ है। नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू से शादी करने का कोई विचार नहीं है। दोनों की दोस्ती साल 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। पिशावर से करीब 300 किलोमीटर दूर जिले के कुलशो गांव से फोन पर उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि अंजू पाकिस्तान की यात्रा पर आई हैं। हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अंजू घर के एक अलग कमरे में महिलाओं के साथ रहती हैं। वहीं इस मामले में अंजू ने बताया था कि वो पाकिस्तान घूमने गई हैं। उन्होंने लीगल फॉर्मेट को फॉलो किया है, सब कुछ प्लानिंग और तैयारी करके गई हैं। उन्होंने कहा कि शादी में भी शामिल होना था। भिवाड़ी से पाकिस्तान कैसे पहुंची? इस सवाल पर अंजू ने कहा कि मैं बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हूं। पहले भिवाड़ी से दिल्ली गई थी, फिर अमृतसर पहुंची, उसके बाद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंची हैं। अंजू से सवाल किया गया कि आखिरकार पाकिस्तान में वो किसके पास रुकी हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उसका एक दोस्त है, उनके परिवार से अच्छी खासी बातचीत है। कहा कि 2 साल पहले उनकी दोस्ती हुई थी। सीमा हैदर से तुलना करना गलत है। वापस आ जाऊंगी, मैं पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज हूँ। पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से दोस्ती को लेकर अंजू ने बताया था कि साल 2020 में उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। उसको 2-3 साल से जानती हूँ, इस बारे में बहन और माँ को पहले दिन ही बता दिया था। अंजू से सवाल किया गया कि क्या पति से अलग होना चाहती हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, शुरू से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी जो उनके साथ रह रही थी, इसलिए अपने साथ भैया भाभी को भी रखा है। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और काम करने के लिए उनके साथ रह रही थी। ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मैं नसरुल्लाह से शादी करूंगी। फिलहाल घूमने आई हूँ। इंडिया आकर पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ।